फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही मशहूर ब्रांड का जो है वो एसी मौजूद है जिस पे के वो ब्रांड प्रिंट किया गया है, लेकिन ये जो ईसी एरर कोड आ रहा है ये दरअसल टीसीएल कंपनी का इसके अंदर पीसीबी यूज़ किया गया है, ना कि जो है वो उस मशहूर ब्रांड का पीसीबी है। तो इस वजह से हम आपको ये टीसीएल का एरर कोड ही दिखा रहे हैं ताकि TCL एरर कोड की हम एक्सप्लेनेशन दे सकें, क्योंकि PCBs जो हैं वो TCL के हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये इसी एरर कब आता है और इसकी क्या वजूहत होती हैं। तो दोस्तों, ये जो है एरर कोड आउटडोर में जब मसला हो तो तब आता है, अदरवाइज़ ये आपको शो नहीं होगा। तो हम आपको दिखाते हैं कि आउटडोर में क्या मसला है जी। और दोस्तों, इस वक्त देखें ये आउटडोर का जो ब्लोअर मोटर है या फ़ैन मोटर है, देखें इस वक्त ये रन कर रहा है। अगर आप देख सकती हैं तो देखें बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन इसका जो कंप्रेसर है वो भी स्टार्ट नहीं ले रहा है। और देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी आ रही है, यहाँ पे यूनिट जो है वो काम कर रहा है, पीसीबी जो है वो देखें। और यहाँ पे मेरे ख्याल में एरर भी आ रहा है, हम ये देख लेते हैं कि ये एरर क्या चीज़ है, कितने एरर्स आ रहे हैं, एक मिनट, कितनी ब्लिंक्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, ये गिनने पड़ेंगे, दोबारा से काउंट करना पड़ेगा हमें। तो हाँ जी, शुरू कर देते हैं जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15। तो ये 15 एरर्स आ रहे हैं, 15 ब्लिंक्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पे पीसीबीज हैं, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो दोनों पीसीबी हैं, ये पीएफसी पीसीबी और इसके अलावा यहाँ पे आईपीएम पीसीबी लगा हुआ है, तो इनकी लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पीसीबी जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो चलें हम देखते हैं कि इसमें क्या मसला हुआ है। और फ्रेंड्स, इस तरह करते हैं हम कि ये पीसीबी यहाँ से खोल लेते हैं और टेबल पर ले जाते हैं इसको, और आपको मुकम्मल जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें क्या मसला आ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखें, ये जो LED 401 है ये ब्लिंक कर रही है 15 टाइम, और जो इंडोर यूनिट है उसके ऊपर ईसी एरर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें, इसके दरमियान जो ये पावर पीसीबी है, इसके दरमियान और ये जो पीएफसी है और आईपीएम मॉड्यूल है, इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बातचीत नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है पॉसिबल? तो पहले तो देखें, सबसे पहला जो फॉल्ट हो सकता है कि अगर किसी वजह से आप ये कनेक्टर जो है इसके, देखें यहाँ पे कनेक्टर नंबर, ये देखें ये वाला जो कनेक्टर है यहाँ पे लगता है, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा देता हूँ। तो कनेक्टर नंबर 5 में ये इंस्टॉल होता है, तो अगर ये आपने नहीं लगाया यहाँ पे या लूज़ कनेक्शन है तो भी ये एरर आ सकता है नॉर्मली। तो फिर क्या करना है आपने कि एक दफ़ा इसको यहाँ से निकाल लें। अगर ये लगा हुआ है और फिर भी काम नहीं कर रहा है तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा, क्योंकि यूनिट जो है वो वाइब्रेशन करते हैं, तो वाइब्रेशन से जो है वो बाज़ वायर जो है वो हिलने से लूज़ हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि उनके दरमियान रस्ट आ जाता है। तो रस्टी होने की वजह से फिर उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्शन पॉसिबल नहीं रहता है। तो उसकी अच्छी जो प्रैक्टिस है वो ऐसा है कि इसको निकाल लें, एक दफ़ा निकाल के थोड़ी सी वायर्स को सफाई कर लें और चेक कर लें कि वाकई उन पर रस्ट वगैरह आया हुआ है। वायर्स को आगे पीछे कर लें थोड़ा सा, और आगे पीछे करने से क्या होता है कि थोड़ा सा वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं, और फिर इसको दोबारा इसके अंदर लगा दें। और यहाँ पे भी देखें इसका कनेक्टर लगा हुआ है इसके साथ, तो देखें ये तो फिक्स है। अगर इनमें भी कोई ऐसा मसला आ जाएगा तो फिर भी हो सकता है, या फिर ये वायर जो है वो कहीं से कोई एक या दो वायर कट जाएँ तो भी ये मसला कर सकता है। तो देखें ये डायरेक्टली जो है वो IPM PCB के अंदर तारे गई हुई हैं, और इसी के साथ साथ ये देखें PFC के साथ भी ये वायर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन करती हैं। तो इस तरह से अगर इनमें कोई मसला होगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें वोल्टेजेस वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर आप वोल्टेजेस चेक कर लेंगे तो और ग्राउंड के साथ, तो फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त किस जगह पर मसला है। तो देखें ये इस वक्त देखें 15 वोल्ट और ग्राउंड, इसके साथ ग्राउंड चेक कर लें और VCC में VCC के साथ चेक कर लें, तो ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। तो अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये जो IPM PCB है और जो PFC PCB है इनमें क्या मसला आ सकता है जी। तो मैं आपको
नॉर्मली दिखा देता हूँ कि ये देखें मेरे पास दूसरे जो है वो पीसीबी मौजूद हैं। तो देखें आईपीएम पीसीबी को देखा जाए, सॉरी ये पीएफसी पीसीबी है, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो अगर पीएफसी पीसीबी को देखा जाए तो इसका जो देखें पूरा सिस्टम लगा हुआ है, रेक्टिफिकेशन है, यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है, आईजीबीटी है और डायोड लगी हुई है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो मेन जो पावर पीसीबी है ये काम कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है कि इसकी रेक्टिफिकेशन ठीक है, इसके आईजीबीटी ठीक है, इसका जो डायोड है वो बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है। अब इनमें चेक करने वाली कौन सी चीज़ है जी? तो देखें यहाँ पे एक तो ये होगा कि अगर माइक्रो कंट्रोलर में कोई फॉल्ट आता है तो फिर तो ये डेड हो गया, ये तो फिर पीसीबी ही चेंज करना पड़ेगा, पीएफसी पीसीबी चेंज करना पड़ेगा। और अगर इसका ये वोल्टेज रेगुलेटर ख़राब हो जाता है ना किसी वजह से, तो ये देखें यहाँ पे 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, L7805CV3। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर अगर ख़राब हो जाता है किसी वजह से तो ये मसला करेगा और फिर जो है कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि ये पीसीबी को सप्लाई नहीं आएगी। तो सप्लाई ना आने की वजह से क्या होगा, तो ये काम ही नहीं करेगा, माइक्रो कंट्रोलर ही काम नहीं करेगा। जब माइक्रो कंट्रोलर ही काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, इसकी बड़ी वजह ये हो सकती मेन। इसके बाद अगर कोई और छोटा कंपोनेंट हो जाए तो फिर उसको चेक करना पड़ता है, वो पीसीबी को पूरे एक एक पॉइंट को कि कहाँ पे कितने वोल्टेजेस हैं वो सारे भी चेक करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म बात है कि जो रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन का सिस्टम है, डायोड है और ये इसके अलावा जो क्या कहते हैं आईजीबीटी है, ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं जी आईपीएम पीसीबी की, तो आईपीएम पीसीबी में भी देखें वायर्स आ रही हैं। तो ये वायर जो मैंने एक आगे बोला है यहाँ पे वीसीसी, तो शायद मैं वोल्टेज बताना भूल गया, तो ग्राउंड और वीसीसी में आपको 5 वोल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ तक पोजीशन ठीक है। इसके बाद इन जो है बाकी अंदर जाके तो इन पीसीबीज को चेक करना होता है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वोल्टेजेस जो है वो कुछ डिफरेंट होंगे, इसलिए आपने बड़े गौर से सुनना है इसको। तो देखें आईपीएम जो है वो इसमें चांस यानी कि कम है शॉर्ट सर्किट के, क्योंकि कम्युनिकेशन का फॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर इसमें शॉर्ट सर्किट आता है तो, क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता है कि नॉर्मली ये शॉर्ट नहीं दिखाता है अगर आप इसको चेक कर लें इसके साथ मल्टीमीटर के साथ, लेकिन जब इलेक्ट्रिक आती है तो फिर ये अंदर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस वक्त फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन चांस है, ज़्यादातर चांस इसका कम है। जब इस तरह का फॉल्ट आएगा तो फिर ज़्यादातर चांस क्या है कि ये पीसीबी ही ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके भी मैं वोल्टेज आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने वोल्ट आते हैं। तो ये पीसीबी जो है वो 3.3 वोल्ट पे काम करता है इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है। और देखें यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर जो है इस पीसीबी को ऑपरेट करने के लिए लगा हुआ है वो ये है जी, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ अगर जूम हो गया तो। तो देखें ये वाला वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये 3.3 का वोल्टेज रेगुलेटर है। अगर ये किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो फिर क्या होगा कि ये काम नहीं करेगा और ये माइक्रो कंट्रोलर ही ऑन नहीं होगा, वो सेम जो मैंने पहले बताया। तो इसी तरह से इसमें भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस इन दोनों वोल्टेज रेगुलेटर्स को चेक कर लें, अगर यहाँ पे वोल्टेज वगैरह सही बन रहे हैं तो फिर इनमें छोटे कंपोनेंट्स का कोई फॉल्ट हो सकता है, फिर कोई एक छोटी चीज़ जली हो सकती है, और अगर माइक्रो कंट्रोलर है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको ठीक किया जा सके।